वाइज टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने में हम सबको मजा आता है, और अच्छा बढ़िया खाना अगर हमें कहीं मिल जाए तो उससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। तो अगर आप वाराणसी आ रहे हो तो वाराणसी में कौन कौन सा बढ़िया खाना आपको कहाँ कहाँ मिलेगा वो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल, वेलकम टू अनुज बकेट। जैसे कि मैं अभी खा रहा हूँ रिवोली पास्ता, वाराणसी की फेमस पिजेरिया का ये खाना, और ऐसा बहुत सारा खाना जो पूरे वाराणसी में अलग अलग जगह फैला है, चाहे वो वाराणसी का स्ट्रीट फूड या फिर यहाँ के रेस्टोरेंट का खाना या फिर यहाँ का फेमस पान, ये सब कहाँ मिलता है, कितने का मिलता है और कौन सी बेस्ट जगह हो जहाँ जाकर ये सब खा सकते हैं, वो सब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जी हाँ, वाराणसी एक ऐसा धाम है जहाँ पे पूरे भारत वर्ष से लोग काशी धाम के दर्शन करने आते हैं, और जब वो वाराणसी आते हैं तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि वाराणसी की सबसे टॉप प्लेसेस टू ईट कौन कौन सी है, वाराणसी का खाना सबसे बढ़िया कहाँ मिलता है, वहाँ का स्ट्रीट फूड, वहाँ का पान और वहाँ के हिडन जेम्स। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं वाराणसी की टॉप प्लेसेस टू ईट, और हम वहाँ जाकर उस जगह पर खा पी कर उस जगह का रिव्यू आपको देंगे, साथ ही साथ उस जगह के बारे में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि वो जगह कहाँ है, वहाँ खाने पीने के लिए कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं और वो कितने की पड़ेगी। तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखना, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाल बटन के साथ दबाएं घंटे का निशान, जिसके बाद आप दबा सकते हैं ऑन नोटिफिकेशन। नंबर एक, लक्ष्मी चाय वाला। गाइस, हमारी अगली जगह है लक्ष्मी चाय वाले के, सफेद मक्खन के टोस्ट खाना और साथ में लेना उसकी चाय, स्पेशल चाय। भाई इतना फेमस है ये वाराणसी में, बहुत पुरानी दुकान है, हर कोई जो यहाँ पे चाय लवर है एक ना एक बार यहाँ के मक्खन टोस्ट जरूर ट्राई करता है। यहाँ पे तीन तरीके के टोस्ट आपको मिलेंगे, देखते हैं ट्राई करते हैं कैसा है, आपको बताते हैं क्या है। लक्ष्मी चाय वाले के जो हमने ऑर्डर किया था वो थे यहाँ के तीन तरीके के टोस्ट, जिसके साथ हमने ऑर्डर करी थी यहाँ की फेमस कुल्लड़ की चाय। इसमें पहला टोस्ट था सफेद मक्खन के साथ, जिसमें टोस्ट के ऊपर आपको मक्खन लगा के दिया जाता है, दूसरा टोस्ट था पीले मक्खन के साथ, और तीसरा टोस्ट था यहाँ का स्पेशल सिजेरियन टोस्ट, जिसमें ब्रेड के अंदर सिजेरियन के द्वारा मक्खन डाल दिया जाता है, और जब आप उस ब्रेड को तोड़ते हैं तो अंदर से उसका स्वादिष्ट मक्खन निकल के आता है, और ये टोस्ट लक्ष्मी चाय वाले की चाय के साथ जो टेस्ट देता है वो टेस्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। कौन सा बढ़िया होता है दादा? सब बढ़िया है, सब बढ़िया है ना। और क्या क्या मिलता है? अमूल मक्खन के साथ और सफेद मक्खन के साथ। सफेद मक्खन, अमूल मक्खन, सीगरियन और सीगरिया अंदर फाड़ के, बड़े फाड़ के अंदर। अच्छा अच्छा, ओके, वो भी एक दे देना, एक अमूल मक्खन, एक सफेद मक्खन और एक वो तीसरा वाला, और दो चाय। इसके अंदर फिलिंग है? ये एरियल बन बस का तो है ना। खा के बताओ कैसे लग रहा है? भाई लक्ष्मी चाय वाले की हमने यहाँ के टोस्ट खाए और चाय पी, एंड दैट इज द मोस्ट अमेजिंग अमेजिंग टोस्ट ऑफ लक्ष्मी चाय वाला। आई कैन इमेजिन कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक टोस्ट लेने आया था, लेकिन यहाँ पर खाते खाते हमने कम से कम पांच टोस्ट खा लिए और चार चाय पी ली दो जनों ने, तो सोचो कितना बढ़िया होगा। और अभी रात का समय है, सुबह नहीं हो रही कि सुबह का टाइम हो जहाँ पे चाय और टोस्ट खाने का मन हो, रात के समय जब डिनर का समय है, हमने तब इतना पेट भर के खा लिया मैं बता नहीं सकता। ब्रेकफास्ट हमने यूएस में भी किया, अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, बहुत सारी जगह पे ट्राई करा, वर्ल्ड। इसके ब्रेड बटर और ये चाय नहीं मिलती, क्यों? बिना ब्रेड को काटे, ब्रेड के अंदर बटर गया कैसे? ये बात है। काशी विश्वनाथ आने वाला हर भक्तजन एक ना एक बार लक्ष्मी चाय वाले की चाय और टोस्ट जरूर खाता है, जिसकी टाइमिंग है सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक की, और यहाँ आपको बटर टोस्ट मिलेंगे 40 रुपए से लेकर 80 रुपए तक में। लक्ष्मी चाय वाले की बाकी इन्फॉर्मेशन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप स्क्रीन पॉज करके वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर दो, पहलवान मलाइयो। गाइस, अगली चीज जो हम खाने आए हैं वो है वाराणसी की फेमस मलाइयो, और वो मिलती है यहाँ के पहलवान लस्सी वाले के। जी हाँ, पहलवान लस्सी वाले के। वैसे तो यहाँ की लस्सी बहुत फेमस है, लेकिन मलाइयो भी बहुत ज्यादा फेमस है, और यहाँ की फेमस है यहाँ की कचौड़ी। तीनों चीजें तो हम नहीं खा रहे थे, अभी हम सिर्फ मलाइयो ट्राई कर रहे हैं। अगर आप वाराणसी घूमने आ रहे हैं तो वाराणसी की स्पेशल मलाइयो डिश खाना आप बिल्कुल ना भूलें। वाराणसी की सबसे स्पेशल डेजर्ट, जिसे मलाइयो के नाम से जाना जाता है, वो बनती है दूध की मलाई से। जी हाँ, मलाइयो की मलाई फोम आप एक डेजर्ट की तरह खा सकते हैं, जो इतनी सॉफ्ट होती है कि आपके मुंह में जाकर बिल्कुल घुल जाएगी। कैसी लग रही है अनु? जब ये चीज आ रही थी ना मेरे पास, तो मुझे लग रहा मैं खा नहीं पाऊंगी, मलाई पता नहीं कितनी हेवी क्या होगी, पर अब ऐसा लग रहा है एक बाइट खाने के बाद ये और 2000 दे दो मैं निपटा दूंगी अकेले। कोको तू खाएगा? कोको वीकेंड वीकेंड कोको।
पक्का को कह रहे हैं मम्मा उल्लू मत बनाओ मेरा। पहलवान वाले की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, और यहाँ पे आपको एक मलाइयो मिलेगी तकरीबन 40 रुपए की। मलाइयो वाराणसी में इतनी फेमस डिश है कि ऐसी एक और जगह है जहाँ की मलाइयो खाने बहुत दूर दूर से आते हैं, और वो है नंबर 3 श्रीजी मलाइयो। तो गाइस ये है हमारी अगली जगह, इस जगह का नाम है श्रीजी स्वीट्स, और यहाँ मिलता है वाराणसी का सबसे फेमस मलाइयो। मलाइयो एक डेजर्ट है जो कि मलाई से बनाया जाता है, और वो इतना सॉफ्ट और इतना स्मूथ होता है कि आप 3-4 मलाइयो खा जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। श्रीजी स्वीट्स वाराणसी के काल भैरव टेम्पल के एकदम पास पड़ता है, और वो ऐसी गलियों में है कि इस गली में आप सिर्फ पैदल ही आ सकते हैं, ना तो आपका 4-व्हीलर आएगा, ना 2-व्हीलर, ना ही साइकिल। इस गली में आप सिर्फ और सिर्फ पैदल आ सकते हैं। तो अगर आप डेजर्ट के शौकीन हैं और वाराणसी का फेमस मलाइयो खाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं श्रीजी स्वीट। श्रीजी मलाइयो वाले की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, और यहाँ भी आपको मलाइयो मिलेगी तकरीबन 40 रुपए प्लेट की। ये वाराणसी की सबसे फेमस मलाइयो की शॉप्स में से एक है। नंबर 4 पिजेरिया कैफे। गाइस हमारी अगली जगह है जो कि पूरे वाराणसी में बहुत ज्यादा फेमस है, इनफैक्ट पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, और वो जगह है वाराणसी में 80 घाट में स्थित पिजेरिया। पिजेरिया जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये सर्व करता है पिज्जा। जी हाँ, ये पिजेरिया पूरे इंडिया का पहला और एकमात्र पिजेरिया है, और ये पिजेरिया उस समय खुला था जिस समय इंडिया में पिज्जा नाम की कोई चीज किसी को पता ही नहीं थी। हर समय हर रोज इस जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। यहाँ का पिज्जा और पास्ता सबसे फेमस है, इसलिए आज हम यहाँ का पिज्जा और पास्ता ही खाने वाले हैं। पिजेरिया कैफे पड़ता है साउथ वाराणसी के सबसे फेमस घाट 80 घाट के पास। पिजेरिया कैफे जाने का सबसे सही समय होगा 80 घाट पे शाम की गंगा आरती देखने के बाद जाना। पिजेरिया कैफे वाराणसी का सबसे पहला और अकेला ऑथेंटिक इटालियन रेस्टोरेंट है। हो सकता है आपको पिजेरिया कैफे के मेन्यू में आइटम्स कम दिखें, लेकिन यहाँ का एक एक आइटम ऑथेंटिक इटालियन तरीके से बनाया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ का पिज्जा बनाने का ओवन भी आज भी एंशिएंट इटालियन ओवन की तरह बनाया गया है। तो गाइज इसका मेन्यू बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा पिज्जा का और एक सेक्शन मिलेगा पास्ता का। उसमें जो हमने मंगाया है वो मंगाया है हमने मार्गरिटा विद अनियन टॉपिंग का, हमने एक पिज्जा मंगाया है और एक इनका रिवोली पास्ता है। कहते हैं कि यहाँ पे इनका स्पेशलिटी वही है, तो हमने एक वो मंगा लिया है। साथ में आपको यहाँ पे कैफे की बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, और ड्रिंक्स और शेक्स भी बहुत सारे मिलेंगे। स्नैक्स में यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज, गार्लिक ब्रेड और ये सब तो है ही। तो चलिए हमने 3 चीजें मंगाई है, एक पिज्जा, एक पास्ता और एक चीज गार्लिक ब्रेड। लेट्स सी कैसा टेस्ट है उसका। पिजेरिया कैफे का पिज्जा नॉर्मल पिज्जा से काफी डिफरेंट था। इसका पिज्जा बेस एक थिन क्रस्ट पिज्जा जैसा बना था, जिसका टॉपिंग्स का स्वाद ही इतना अच्छा था कि आपको शायद किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े। पिजेरिया कैफे के पिज्जा का क्रंच, उसका टेस्ट और उसका ऑलिव ऑयल इस तरीके से आपके मुंह में घुल जाएगा कि आपको कहीं और का पिज्जा पसंद ही नहीं आएगा। कैसा लगा आपको रिवोली पास्ता? अभी तक पास्ता इज ऑल अबाउट, हमें पता था जो सॉसेज होती है उसमें पेनी, अरबिता या फिर स्पेगेटीज आप ले सकते हैं। ये मैंने पहली बार खाया है कि आपके उसके अंदर फिलिंग है, और एक स्पिनच और चीज की फिलिंग है जो आपको बहुत डिफरेंट फ्लेवर देगी। जो पहली कोटिंग आएगी आपकी जो सॉस की, बहुत एक टैंगी सा फ्लेवर आएगा, टैंगी फ्लेवर और बहुत स्वीटनेस के साथ आएगा, डिफरेंट है। पिजेरिया कैफे की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक की, और यहाँ आपका एक जने का खर्चा हो सकता है तकरीबन 300 रुपए का। और पिजेरिया कैफे की सबसे बेस्ट डिश होगी खाने वाली यहाँ का पिज्जा। नंबर 5 मधुर मिलन। गाइस ये है हमारी अगली जगह, ये जगह का नाम है मधुर मिलन कैफे। भाई वाराणसी का अगर आपको सबसे बढ़िया समोसा या कचौरी खानी है तो आप खा सकते हैं मधुर मिलन कैफे पे। बहुत ही सस्ता, बहुत ही बढ़िया, और हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन टेक अवे भी कर सकते हो, फुटपाथ पे खड़े होकर खा सकते हो यहाँ की कचौड़ी, यहाँ का समोसा। हम भी यहीं खड़े हैं, चलिए ट्राई करते हैं कि कैसा है। मधुर मिलन वाराणसी के 10 अश्वमेध घाट के पास एक ऐसी शॉप है जहां आपको खाने के लिए समोसे, जलेबी, कचौड़ी, पूरी सब्जी, यहां तक कि पूरा लंच का मेन्यू भी मिलेगा। हालांकि मधुर मिलन का स्ट्रीट फूड ही आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि 10 अश्वमेध घाट पे चलते चलते मधुर मिलन का समोसा या कचौड़ी खाना ही सबसे ज्यादा आनंदमय माना जाता है। बनारस के यहाँ का रबड़ी जलेबी फेमस है सर, बनारस का हिंग कचौड़ी जलेबी फेमस है। गाइस मधुर मिलन का हमने समोसा खाया, बहुत बढ़िया समोसा था, बहुत लाइट था, सबसे अच्छी बात सिर्फ 10 रुपए का समोसा था, और आप चलते चलते उसे खा सकते हो। और भी चीजें वहाँ थी जैसे आलू पराठा, मसाला डोसा, और या फिर पूरी वेजिटेरियन थाली भी आप वहाँ पे डाइनिंग करके बैठ के भी खा सकते हो। ये सबसे बढ़िया बात थी, और महंगा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप मधुर मिलन आ सकते हैं, जब 10 अश्वमेध घाट देखने आए तब खाना मधुर मिलन पे ही खाएं। मधुर मिलन वाले की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक की, और यहाँ पर आपका पर पर्सन का खर्चा आ सकता है तकरीबन 50 रुपए। मधुर मिलन का आप समोसा या कचौड़ी जरूर ट्राई करें। नंबर 6
केशव पान भंडार। तो गाइस अगली जगह है हमारी बनारस का केशव पान भंडार। भाई बनारस आए और बनारस का पान नहीं खाए तो क्या किया, और पान आप खा सकते हैं बनारस के केशव पान भंडार में। वैसे तो बनारस में बहुत सारी पान की दुकानें हैं, जैसे चौरसिया पान भंडार, राम पान भंडार या फिर केशव पान भंडार। अगर आप पान के शौकीन हैं तो कहीं से भी बनारस का पान खा सकते हैं। केशव पान भंडार वाराणसी में स्थित कई सारे फेमस पान भंडारों में से एक है, और यहाँ के पान भी आप कभी नहीं भुला पाएंगे। यहाँ पर आपको मीठा पान, चॉकलेट पान, आइस पान, फायर पान, गुलकंद पान और चेरी पान भी खाने को मिलेगा। आपकी वाराणसी की कंप्लीट मील के बाद यहाँ के पान खाना तो जरूर बनता है। वेज, नॉन वेज? वेज। वेज, ये लवकुश। लवकुश। और नॉन वेज? नॉन वेज कहीं भी खा ले। कैसा लगा आपको एक सब्जी का पान? ये तो नामी है भाई, बड़े मुद्दा सिंह का पान मिलता है, उसके पास समय वही पान खा सकता है। हमने पान ले लिया है 25 रुपए का, 35 रुपए का यहाँ पे पान मिलता है, मीठा पान। दो दो तरीके के हैं, हमने 35 रुपए वाला पान लिया है, और क्योंकि मैं पान नहीं खाता तो स्वाति को खिलाएंगे और पूछेंगे उससे कि कैसा ही है वाला पान। लेट्स गो। केशव पान भंडार की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक की, और यहाँ पर आपको एक पान की एवरेज कॉस्ट मिलेगी 40 रुपए से 70 रुपए तक की। नंबर 7, दीना चाट भंडार। वाराणसी घूमते घूमते अगर आपको एक ही जगह पर मल्टी कजिन का ऑप्शन चाहिए तो आपके लिए जगह है दीना चाट भंडार। जी हाँ, एक ही जगह पर कई सारी तरीके की चाट खाने का मौका मिलेगा, वो जगह है दीना चाट भंडार, जहाँ पर आपको आलू टिक्की, गोलगप्पे, समोसे, पापड़ी और यहाँ की स्पेशल टमाटर चाट खाने का मौका मिलेगा। दीना चाट भंडार वाराणसी में सबसे फेमस चाट भंडारों में से एक है। भाई ये आई है हमारी टिक्की छोले। थैंक यू सर, थैंक यू। गलौटी की तरह टिक्की बना रहा है, गलौटी की बना रहा है, एकदम गलौटी की तरह। ये आ गई भैया हमारी टमाटर की चाट। लो भाई शुरू करो, टेस्ट करो, रिव्यूज बताओ। क्या सबसे अच्छा लगा? दीना चाट भंडार की टाइमिंग है दोपहर 1:30 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक की, और यहाँ आपका पर पर्सन का खर्चा आ सकता है तकरीबन 100 रुपए का। दीना चाट अगर आप जाएं तो वहाँ की टमाटर चाट और टिक्की जरूर ट्राई करें। नंबर 8, काशी चाट भंडार। दीना चाट के बाद काशी चाट भंडार भी एक ऐसा चाट भंडार है जहाँ की चाट आपको बेहद पसंद आएगी। हालांकि काशी चाट भंडार की कुल्फी भी पूरे वाराणसी में बहुत ज्यादा फेमस है। काशी चाट भंडार की टिक्की, गोलगप्पे, पापड़ी और कुल्फी आप जरूर ट्राई करें। सोनी बेचारी ढूंढ रही मुझे कौन खिलाएगा। बहुत बढ़िया लग रही है। आगे देख के चलो, टकरा जाओगे कुल्लड़ में, तो इसका फ्लेवर अलग ही आ रहा है। काशी चाट भंडार की टाइमिंग है दोपहर 1 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक की, और यहाँ आपका पर पर्सन का खर्चा आ सकता है तकरीबन 150 रुपए का। तो गाइज ये थी वाराणसी की टॉप प्लेसेस टू ईट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सवाल है इन सब कुछ जगहों को देखने के बाद भी तो हमारे कमेंट्स में लिखें। हम कोशिश करते हैं कि हर कमेंट के सवाल का जवाब दे पाए, उसके बाद भी सवाल रह जाता है तो हमारे हर सैटरडे होने वाले लाइव सेशन को अटेंड करें। हम लाइव आके आपके सारे सवालों जवाब देते हैं, या फिर डाउनलोड करें हमारी अनुज ब्रिकेट की ऐप, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसी के साथ साथ हमने वाराणसी की टॉप प्लेसेस टू विजिट और वाराणसी की कंप्लीट ट्रैवल गाइड भी बनाई है, जाके वो वीडियोस भी जरूर देखें। हमारे चैनल पे आपको मिलेगा वाराणसी का कंप्लीट ट्रैवल सॉल्यूशन। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन, बी वेल, नमस्ते। हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें, और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन